वही राजधानी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को उरला इलाके में कैलाश नगर में कुछ बदमाशों ने बर्फ का गोला बेचने वाले एक व्यक्ति के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। इस हमले के कारण बुरी तरह से घायल हुए रमेश गुप्ता का इलाज डीकेएस अस्पताल में चल रहा है। घायल रमेश की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। मामले में पुलिस ने रमेश गुप्ता पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी रवि वर्मा को गिरफ्तार करके अन्य तीन की तलाश भी की जा रही है। कुछ नहीं था, उन लोग मार के निकल गए थे वहाँ, उन लोग चले गए तो वहाँ लोग लेडीज लोग फोन किए तुम्हारे पास, चार पांच जगह फोन लगा, मामा फोन किया बोलते ऐसे बात है, मैं फोन किया लेडीज पास, लेडी बोले भैया इन लोग मार के निकल गए हैं जल्दी से आओ, तो मैं गया तो उन लोग लेके आ रहे थे ऑटो से, उसके बाद मैं पहुंचा शारदास में भर्ती थे, उसमें बोले लेके जाओ बाहर दिखा, तो मैं यहाँ दिखाने आया। उसका वहीं के रहने वाले किसी रवि वर्मा नाम के व्यक्ति से कुछ विवाद हुआ था, जिस पर रवि वर्मा ने उसके सिर पर जो है बोतल से हमला कर दिया था और उसकी स्थिति भी गंभीर है। इसमें 307 में अपराध दर्ज किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। बर्फ के पैसे को देने के लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिस पर रवि वर्मा ने पास में पड़े कांच के बोतल से उसके सिर पर जो है हमला कर दिया था, जिससे उसे गंभीर चोटें लगी हैं और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई।